जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, सभी लोग नाम जप क्यों नहीं करते? इसका उत्तर यह है कि नाम परायण होना जितना मुख से सहज कहा जाता है, वास्तव में उतना सहज नहीं है। बड़े पुण्य बल से नाम जप में रुचि होती है। शास्त्र पढ़ना, उपदेश देना, बड़े बड़े शास्त्रार्थ करना सहज है, किंतु निश्चिंत मन से विश्वास पूर्वक भगवान का नाम लेना बड़ा कठिन है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। कुछ लोग तो इसकी ओर ध्यान ही नहीं देते, और जो कुछ ध्यान देते हैं उन्हें इसका सहजपन देखकर अश्रद्धा हो जाती है। वे समझते हैं कि जब बड़े बड़े यज्ञ, तप, दान आदि सत्कर्मों से ही पाप वासना का नाश होकर मन की वृत्तियां शुद्ध और सात्विक नहीं बनती, तब केवल नाम उच्चारण या शब्द स्मरण मात्र से क्या हो सकता है? वे लोग इसे मामूली शब्द समझकर छोड़ देते हैं। कुछ लोग पंडिताई के अभिमान से, शास्त्रों के बाह्य अवलोकन से केवल वाग वितंडार्थ शास्त्रपटु होकर नाम का आदर नहीं करते। पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त पुरुष तो प्रायः आधुनिक पाश्चात्य सभ्यता की माया मरीचिका में पढ़कर ऐसी बातों को केवल गप समझते हैं। कुछ सुधार का दम भरने वाले लोग, संसार का सुधार केवल हमारे बल पर होगा, ईश्वर वस्तु ही क्या है, उसकी आवश्यकता तो घर बार रहित सन्यासियों को है, हमें उससे क्या मतलब। अच्छा काम करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, ऐसी भावना से भगवान के नाम का तिरस्कार कर देते हैं। भगवान का नाम स्मरण प्रायः विपत्ति काल में ही हुआ करता है, जब मनुष्य के सहारे छूट जाते हैं, कहीं से कोई आशा नहीं रहती, किसी से कोई आश्वासन नहीं मिलता, जगत के लोग मुख से नहीं बोलना चाहते। निर्धनता, निर्जनता, आरोग्यहीनता और अपमान से मन घबरा जाता है। दुखों की विषमयी ज्वाला से हृदय दग्ध होने लगता है। मित्र स्नेही सुहृद और घर वालों का एकांत अभाव हो जाता है। तब प्राण रो उठते हैं, हृदय खोजता है किसी ऐसी शीतल सुरम्य वस्तु को जिसे पाकर उसे कुछ शीतलता, कुछ शांति प्राप्त हो सके। ऐसे दुस्समय में छटपटाते हुए व्याकुल प्राण स्वाभाविक ही उस अनजाने और अनदेखे हुए प्रीतम की गोद का आश्रय ढूंढते हैं। ऐसे अवसर पर बड़े बड़े शास्त्र अभिमानी, शास्त्रार्थ में तर्क युक्तियों से ईश्वर का खंडन करने वाले, धन और पद के मद में ईश्वर को तुच्छ समझने वाले, विषयों की प्रमाद मदिरा के अविरत पान से उन्मत्त होकर विचरने वाले मनुष्यों के मुंह से भी सहसा ऐसे उद्गार निकल पड़ते हैं कि हे राम, हे ईश्वर, तू ही बचा, तेरे बिना अब और कोई सहारा नहीं। ऐसे ही विपद संकुल समय में जीभ स्वच्छंदता से भगवान नाम का उच्चारण करने लगती है, और ऐसे ही शोक मोहपूर्ण समय में मन और प्राण भी उसका स्मरण करने लग जाते हैं। इसी लोभ से माता कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से विपत्ति का वरदान मांगा था। उसने कहा था, हे कृष्ण, तेरा स्मरण विपत्ति में ही होता है, इसलिए मुझे बार बार विपत्ति के जाल में डालता रहे। तात्पर्य यह है कि भगवान नाम का स्मरण प्रायः दुख में होता है। दुखी, अनाश्रित और दीन जन ही प्रायः उसका नाम लिया करते हैं। इसलिए कुछ लोग जो विषयों के बाहुल्य से मोहवश अपने को बड़ा बुद्धिमान, धन जनवान और सुखी मानते हैं, भगवान नाम लेकर अपनी समझ से दीन दुखी और अनाश्रितों की श्रेणी में सम्मिलित होना नहीं चाहते। कुछ ज्ञानाभिमानी लोग ज्ञान के अभिमान में हरिनाम को गौण या मंद साधन समझकर त्याग देते हैं।
जनता अधिकतर संसार में बड़े लोग कहलाने वालों के पीछे ही चला करती है। यही सब कारण है कि सब लोग भगवान के नाम के परायण नहीं होते। एक कारण और है जिससे नाम के विस्तार में बड़ी बाधा आ पड़ती है, वह है नाम को पाप का साधन बना लेना। ऐसे लोग संसार में बहुत हैं जो पाप करने में जरा सा भी संकोच नहीं करते और समझ बैठते हैं कि नाम लेते ही पाप का नाश हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि हरि नाम पाप रूपी घास के बड़े ढेर को जलाने के लिए साक्षात अग्नि है। बड़े से बड़े पाप नाम के उच्चारण मात्र से नष्ट हो जाते हैं। सर्व धर्म त्यागी, सर्व पाप निरत पुरुष भी यदि हरिनाम संकीर्तन करता है तो वह पापों से छूट जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि पूर्व के पापों का नाश करने के लिए हरिनाम से बड़ा और शीघ्र फलदायक प्रायश्चित है। हरिनाम सबसे बड़ा और शीघ्र फलदायक प्रायश्चित है। नाम के प्रताप से पापी मनुष्य भी भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाता है। परंतु जो मनुष्य जानबूझकर हरिनाम की दुहाई देकर मन में दृढ़ संकल्प करके पापों में प्रवृत्त होता है, उसका कहीं निस्तार नहीं होता। रोग निवृत्ति के लिए ही औषध का सेवन किया जाता है, परंतु जो लोग बीमारी बढ़ाने के लिए दवा लेते हैं उनके सिवा मरने के और क्या फल मिल सकता है। पद्म पुराण में एक वचन है कि जो नाम का सहारा लेकर पापों में प्रवृत्त होता है वह अनेक प्रकार की यम यातना भोग करने पर भी शुद्ध नहीं होता। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सत्य।